दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल में। यार एक बात बताओ, व्हाट्सएप पे आप चैट करते हैं, आपको कोई भी बंदा मैसेज सेंड करता है, आपको जब मैसेज सेंड करता है आप जब पढ़ लेते हो तो उनका उनको पता चल जाता है क्योंकि उनके मोबाइल में ब्लू चेक लग जाता है। कोई ऐसा भी ट्रिक है जिससे कि उनके मोबाइल में ब्लू चेक ना लगे? मैं आपको छोटा डेमो दिखाता हूं, उसके बाद फिर बात करते हैं। यहां पे मैं मैसेज यहां पे व्हाट्सएप में ऑन किया, यहां पे मैं सिंपल यहां पे हाई लिखकर मैं भेजा और इस मोबाइल को मैं ऑन किया व्हाट्सएप। और जब ऑन किया यहां पे व्हाट्सएप और ये मैं देख लिया मैसेज यहां पे ब्लू चेक। यार ये तो ठीक है, लेकिन समटाइम आप सोचते हो कोई ऐसा भी ट्रिक है जिससे कि मैं किसी का भी मैसेज या आपको आपका फ्रेंड हो या आपका रिलेशनशिप हो या कोई भी बंदा आपको जब चाहे वीडियो सेंड करे, फोटो सेंड करे या टेक्स्ट फाइल या किसी भी तरह का फाइल फोल्डर सेंड करे, लेकिन आप देख भी लोगे लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा उनकी, क्योंकि उनके मोबाइल में ब्लू चेक लगेगा या नहीं आप मैसेज पढ़ लोगे उनको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा ट्रिक है। तो चलिए मैं इस वीडियो को आज की इस वीडियो में बात करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आप सेंडर का मैसेज पढ़ लोगे विदाउट अलर्ट किए हुए उनको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उनका मैसेज आप पढ़ भी लोगे देख भी लोगे उनको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे गाइस, मेरे पास दोनों मोबाइल में यहाँ पे व्हाट्सअप रहा, मैं इस मोबाइल में व्हाट्सअप ओपन किया और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हाई लिखकर मैं चैट करता हूँ। यहाँ पे मैं हाई लिखा और जस्ट यहाँ पे सेंड किया। सेंड करने के बाद जब यहाँ पे मैं व्हाट्सअप ऑन किया, यहाँ पे देख रहे नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ पे मैं जब व्हाट्सअप ऑन किया तो जस्ट यहाँ पे ऑन करते ही देखते ही यहाँ पे ब्लू चेक लग गया। लेकिन गाइज आपको इस तरह से यहाँ पे पढ़ना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। यहाँ पे मैं फिर से हाई लेकर यहाँ पे सेंड किया। भेजने के बाद कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आता है तो इस तरह से आप नोटिफिकेशन को स्वाइप कीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकन मिलेगा, जस्ट इसको एक्सपेंड करना है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं सबसे नोटिफिकेशन सबसे नीचे यहाँ पे देख रहे नोटिफिकेशन में जस्ट यहाँ पे इसको बस एक्सपेंड करना है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं अभी तक ब्लू चेक लगा भी नहीं और मैं यहाँ पे किस नोटिफिकेशन में जो मैसेज आया है उस मैसेज को मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन यहाँ पे ब्लू चेक अभी तक नहीं लगा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको एक फोटो सेंड कर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, जस्ट यहाँ पे बैक जगह है और यहाँ पे एक फोटो लिए, इस फोटो को मैं सेंड करता हूँ। यहाँ पे मैं फोटो यहाँ पे जस्ट सेंड पे क्लिक करते हैं और सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं नोटिफिकेशन आया और यहीं से आपको फोटो भी देखना है, जस्ट यहाँ पे एक्सपेंड करना है। ये जो छोटा वाला जो देख रहे हैं आइकन यहाँ पे, ये 49 ये 19 और 49 के बगल में जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं फोटो भी मैं देख चुका हूँ कि कौन सा फोटो ये सेंड किया है। ओके, तो हर कुछ सेंड करेगा, मैं देख भी लूँगा लेकिन नोटिफिकेशन में जाके मुझे देखना पड़ेगा, व्हाट्सअप के अंदर मुझे नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मैं व्हाट्सअप के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे ब्लू चेक लग जाएगा, इसलिए आपको नोटिफिकेशन में देखना है, नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको देखना है। तो आपको यहाँ पे सेंडर को विदाउट अलर्ट किए हुए आप हर मैसेज को आप सेंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट्सअप के अंदर जैसे ही आए यहाँ पे ब्लू चेक लग गया। तो इस तरह से गाइज आपको पढ़ना है। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स जाओ और कमेंट करके जरूर बताओ। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल घंटी को हिट कर देना, चाहे तो आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।